थोड़ी असावधानी खतरे में जिंदगानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। कहते हैं कुदरत का कानून सबसे बड़ा कानून होता है और कुदरत कब क्या कर जाए किसी को क्या पता। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 25 जुलाई को यही तो हुआ। जयपुर की डॉक्टर दीपा शर्मा दोपहर में ट्वीट करके हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के अनुभवों को बांटती हैं, लेकिन इसके कुछ घंटों के अंदर ही कुदरत ने कुछ ऐसा कहर मचाया कि दीपा उसकी शिकार हो जाती हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। प्रकृति जब कहर बरपाती है तो फिर उसकी चपेट में चाहे जो आए उसे बख्शा नहीं जाता है। किन्नौर के सांगला में प्रकृति का कहर टूटा। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर देखते ही देखते बड़ी तबाही बन गई। देखते ही देखते बड़ी बड़ी चट्टाने नीचे आने लगी। जब चट्टाने नीचे की तरफ आ रही थी तो बारूद या बम फटने जैसी आवाज निकल रही थी। इन्हीं पत्थरों में से एक पुल पर गिरा और पुल दो टुकड़ों में बट गया। ये चट्टाने यहीं नहीं रुकी बल्कि मौत बनकर वहां से गुजर रहे एक ट्रैवलर पर गिरी। जिससे ट्रैवलर में सवार 12 में से 9 लोगों की मौत हो गई। उन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी डॉक्टर दीपा शर्मा। जयपुर की रहने वाली आयुर्वेद की डॉक्टर दीपा को प्रकृति से बड़ा प्यार था और पिछले कुछ दिनों से वो हिमाचल प्रदेश की सैर पर थी। अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दीपा अपने सैर का हर अनुभव शेयर कर रही थी। अब जरा इस वीडियो को देखिए जो हादसे वाले दिन से एक दिन पहले यानी 24 जुलाई का है। इस वीडियो में दीपा कह रही हैं कि आज की सुबह कुछ ऐसी गुजरी। आज की सुबह कुछ यूं गुजरी। हादसे से कुछ घंटे पहले दीपा ने ट्वीट करके ये बताया कि वो भारत चीन बॉर्डर के पास भारत के आखिरी गांव में है और यहां से चीन के कब्जे वाला तिब्बत बॉर्डर सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। दीपा को क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी ट्वीट साबित होने वाला है और कुछ ही घंटों में वो ऐसे लंबे सफर पर निकल जाएंगी जहां से कोई लौट कर नहीं आता है। बॉर्डर के पास आखिरी गांव से घूमकर जब दीपा लौट रही थी तभी सांगला में लैंडस्लाइड की वजह से चट्टान उस ट्रैवलर पर गिरा जिसमें दीपा समेत कई लोग सवार थे और इस हादसे में दीपा और 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उस चट्टान ने 34 साल के एक युवा डॉक्टर के वो सपने तोड़ दिए जो वो अपने दिल में लिए घूम रही थी। दीपा ने पिछले साल अगस्त में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये संदेश दिया था कि बेशक वो कोई बड़ी हस्ती नहीं है लेकिन एक दिन वो ऐसा काम करेंगी जिससे उनका भी बड़ा नाम होगा। दीपा अपनी ये हसरत दिल में लिए ही दुनिया से विदा हो गई। हालांकि एक बात उनकी सच हो गई कि दुनिया ने उनका नाम जान लिया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि वो जो करना चाहती थी वो तो नहीं कर पाई। दीपा की मौत की खबर से जयपुर में उनका मोहल्ला शांति नगर शोक में डूबा है। पड़ोसियों ने बताया कि कोरोना काल में
दीपा ने बहुत से लोगों की मदद की और वो काफी एक्टिव रहती थी। हिमाचल में हुए हादसे में जयपुर की रहने वाली एक बेटी डॉक्टर दीपा शर्मा, उनकी भी उसमें डेथ हुई है। वो जयपुर में काफ़ी दिनों से रह रही थी और यहाँ पर वो पंचकर्म में अपनी विशेषज्ञ थी, लोगों से वो उनका इलाज करती थी और गुजरथड़ी शांति नगर में वो अपनी माँ के साथ रहती थी। हम उनके आवास पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अब तो वो जो उनका घर है वो सुनसान है, नया घर नाम से उन्होंने यहाँ पर मकान बना रखा है जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती थी और लोगों को वो यहाँ पर देखती थी, उनका इलाज करती थी। अब हमारे साथ यहाँ के स्थानीय कॉलोनी वासी भी हैं जो उनके बारे में जानते हैं, हम उनसे जानते हैं। उन वो यहाँ रहती थी, कब से रह रही थी, वो किस तरह से? 10 साल हो गए यहाँ रहते हुए और अच्छा व्यवहार भी अच्छा था, ठीक ठाक थी। बहुत अच्छा व्यवहार था, मिलनसार व्यवहार था, सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय रहती थी, विभिन्न मुद्दों पर वो अपने विचार रखती थी। समय समय पर वो जब भी उनको मौका मिलता था तब वो कोरोना के टाइम में भी उन्होंने बहुत सक्रिय होकर अपनी भूमिकाएं निभाई। इस भयानक हादसे की शिकार डॉक्टर दीपा और बाकी लोगों की मौत कहीं ना कहीं एक सवाल भी उठाती है कि क्या इनकी मौत महज हादसा थी या फिर संभावित हादसे को भांपने में अक्सर हम नाकाम रहते हैं। क्योंकि इस वक्त पहाड़ों में ही नहीं देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और बारिश के इस मौसम में पहाड़ों में लैंडस्लाइड होना आम बात है। फिर भी इस मौसम में पहाड़ों पर सैलानियों की भीड़, और जब भीड़ है तो फिर इस तरह के हादसे से बच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रकृति को इंसान पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा चुका है और इसके बदले प्रकृति भी अपने तेवर दिखाती रहती है। जिसकी चपेट में कभी डॉक्टर दीपा आती हैं, तो कभी कोई और। अब जरा सोचिए कि जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है तो ऐसे में सैलानियों को वहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि जो किन्नौर में हुआ वैसा हादसा कहीं भी हो सकता है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने 26 और 27 जुलाई को 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी जिलों में भारी बारिश का अनुमान है और भारी बारिश से लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक और नदियों के जलस्तर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। ये वो जिले हैं जहां सैलानी भारी संख्या में जाते हैं और इस वक्त भी उत्तराखंड और हिमाचल में घूमने वालों की भीड़ है। यानी किन्नौर जैसा खतरा पहाड़ी इलाकों में अब भी बना हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में रविवार देर रात सेलंग में एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के पास लैंडस्लाइड हुआ। परियोजना का टीवीएम साइट का एंट्री गेट पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ किस्मत अच्छी रही कि मजदूरों की हड़ताल की वजह से वहाँ लोग नहीं थे, वरना यहाँ भी बड़ा हादसा हो सकता था। जाहिर है इन खतरों से बचना है तो इस वक्त उन इलाकों में जाने से बचें जहां ज्यादा बारिश हो रही हो या फिर होने की संभावना हो, क्योंकि हादसे तो कहकर नहीं आते जैसे किन्नौर में आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरखते पहाड़, उजड़ती जिंदगियां, बरसात के मौसम में हर साल पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसा ही दिखता है। हॉलीडे मनाने के लिए ये वक्त अभी पहाड़ों की तरफ नहीं है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।